आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा केमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कल मैंने आपको बता दिया था कि जो मेटल हमको जैसे हमको आयरन अवेलेबल होता है तो उस आयरन का कहाँ कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हम ये पता करेंगे कि अगर मेरे पास कोई आयरन का बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे लोहे का बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस लोहे के बने हुए ऑब्जेक्ट पे रस्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जनरली देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि उस मीडियम का रेट हो जाता है और उस मीडियम की वजह से क्या होता है रस्टिंग का प्रोसेस होता है। तो इसमें कौन सा मीडियम जनरेट होता है, तो इस मीडियम की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पे ये मीडियम आपको गिव किया गया है। इस मीडियम में होता क्या है, देखो इसके दो पोर्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। केमिकल प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है भाई रस्टिंग का मतलब, जंग लगना होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जंग कैसे लगती है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखते हैं कि आखिर रस्टिंग का प्रोसेस होता कैसे है। तो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया था कि जब हमारे पास क्या अवेलेबल होता है, वाटर अवेलेबल होता है और साथ में क्या होता है ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो वाटर में भी क्या होता है, अगर ये सेपरेटली रहे तो भी इसमें रस्टिंग हो जाती है और ये जब ये दोनों क्या हो जाए मिक्स हो जाए, जिसको हम कौन सा कंडीशन बोलेंगे, मॉइस्चर वाला कंडीशन, जब एयर के मतलब हमारे सराउंडिंग एरिया में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं हम ये बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जो एयर होता है उनमें नमी होती है और उसी नमी को क्या बोला जाता है, मॉइस्चर बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एयर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट हमको प्रोवाइड करता है, उस एयर के साथ अगर वाटर रिएक्ट कर जाए तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी मॉइस्चर या फिर नॉर्मल वाटर के कंटेंट में कौन आता है, कोई भी आयरन से बना हुआ ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें कौन सा प्रोसेस हो जाता है, रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। तो उसी रस्टिंग के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, कोरोजन बोला जाएगा। तो देखिए इसमें आपका आयरन दिया हुआ है, साथ में वाटर पार्टिकल्स दिए हुए हैं और ऑक्सीजन दिए हुए हैं। तो आखिर इसका रिएक्शन कैसे होता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके दो मीडियम जनरेट होता है, एक को बोला जाता है एनोड और दूसरे को क्या बोला जाता है, कैथोड बोला जाता है। जो हमारा एनोड है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में डिनोट किया गया है और जो हमारा कैथोड है उसको पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में डिनोट किया गया है। तो होता क्या है, देखो अगर मेरे पास वाटर ड्रॉपलेट है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस वाटर ड्रॉपलेट में आप जानोगे नेचर में ही प्रेजेंट होगा, नेचर में प्रेजेंट होगा मतलब इसके सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, हम ये समझ के चलते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, देखो अगर किसी आयरन का ऑब्जेक्ट इस वाटर में डिप है तो जैसे ही वाटर में डिप होता है ना तो ये आयरन क्या होने लगता है, रेड्यूस होने लगता है। जो हमारा आयरन है वो रेड्यूस होने लगता है और रेड्यूस होके क्या बना देता है, Fe plus 2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आयरन जो एक्चुअल था वो एक्चुअल नहीं रहता, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया होता है या उसके सरफेस के जो आयरन मटेरियल्स होते हैं उस वाटर के रिएक्शन की वजह से क्या करने लग जाते हैं, थोड़े से उसके सरफेस में जो साइनिंग थी वो क्या होने लगती है, रेड्यूस होने लगती है। और वो रेड्यूस जब तब होता है जब नॉर्मल जो आयरन है, ये आयरन जो है इसको मैं बोलूंगी ये न्यूट्रल आयरन है, न्यूट्रल आयरन है। ठीक है, अब न्यूट्रल आयरन क्यों है मैं बोल रही हूँ, बिकॉज उसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही उसके पास क्या प्रेजेंट है, ना ही उसके पास कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, आपका Fe पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मली अगर Fe इस फॉर्म पे होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल बोला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। और यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, आयरन में कन्वर्ट हो गया है। तो इससे ये बात तो पता चली कि इनिशियली जो आयरन होता है अगर उसको पानी के अंदर डाल दो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके सरफेस में हम ये देखते हैं कि पहले जैसी साइनिंग थी वैसी साइनिंग हमको दिखाई नहीं देती है। तो वैसी साइनिंग दिखाई देने का मतलब
ना दिखाई देने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल आयरन था वो आयरन क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है। मतलब जो न्यूट्रल आयरन था या न्यूट्रल आयरन था वो आयनिक फॉर्म में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। और इन केमिस्ट्री हम सभी जानते हैं कि कोई न्यूट्रल एटम आयन में कब कन्वर्ट होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते रिलीज कर दे, जब इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज कर दे या फिर यूज करके आप बोल सकते हैं या फिर रिमूव कर दे, तो तब वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो Fe है वो किसमें कन्वर्ट हुआ है, प्लस टू में कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब है अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता तो मैं इसको क्या लिखती, Fe1 पॉजिटिव लिखती, लेकिन इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको क्या लिखा है, Fe2 पॉजिटिव लिखा है। तो इसका मतलब है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रिलीज होता है तो ये कौन सा चार्ज है, मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो जहां पर एक इलेक्ट्रॉन हम जनरेट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को नाम दे देते हैं किसका, एनोड का, ठीक है। तो ये नीचे में अपने आप जनरेट हो गया, कौन सा कंडीशन, एनोड वाला कंडीशन। कैसे जनरेट हुआ, आयरन को लिया, आयरन को नेचर के कॉन्टेक्ट में रखा, मतलब वाटर या फिर एयर या फिर मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में रखा, तो आयरन रेड्यूस हो गया, रेड्यूस होके आयरन में कन्वर्ट हुआ, आयरन में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, मीडियम में आ गया। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मीडियम में आ गया, मतलब वो एक तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। और इन केमिस्ट्री अगर कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, एनोड के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाएगा, क्योंकि हमारा क्या बन गया, एनोड इलेक्ट्रोड बन गया। अब होता क्या है, देखो ये एनोड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बन गया, लेकिन हमारे नेचर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, मैंने बताया यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था और साथ में क्या प्रेजेंट था, हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट था, वाटर और ऑक्सीजन। याद रखिएगा, तो ये जो वाटर है और ये जो और ऑक्सीजन है, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, मॉइस्चर बोल रही हूँ, तो नॉर्मल इन अवर लैंग्वेज उसको तो आप मॉइस्चर बोलोगे, लेकिन ये दोनों रिएक्ट करने के बाद, वाटर और एयर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तब जाके मॉइस्चर बनता है, तो मॉइस्चर का कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होगा ना। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। मतलब ये मेरा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, इसका हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड फॉर्म, हाइड्रोक्साइड फॉर्म। और इसी फॉर्म को आप किस फॉर्म पे इंडिकेट कर रहे हो, यहाँ पे मॉइस्चर के फॉर्म पे क्या कर रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो। तो जब वाटर के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बनता है। यदि इसी हाइड्रोक्साइड में क्या रस्ट होता है, हमारा जो आयरन है वो रस्ट होता है। अब देखो होगा क्या, जब ये दोनों मिले तो अगर ये एनोडिक कंडीशन के फॉर्म पे इंडिकेट कर रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोडिक कंडीशन हो जाएगा। जब ये कैथोड वाला कंडीशन है तो इसको पॉजिटिव फॉर्म पे लिया जाता है। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ये किसके पास जाएगा, इस पॉजिटिव वाले के पास जाएगा। तो जिधर मेरा ये कैथोडिक पोर्शन होता है ना, वहां पे ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है, हाँ। और जहाँ पे मेरा कौन सा कंडीशन रहता है, एनोडिक कंडीशन होता है, वहां पे ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास बना हुआ क्या है, Fe2 पॉजिटिव बना हुआ है, और यहाँ पे क्या बना हुआ है, OH नेगेटिव बना हुआ है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे, कौन कौन, मैंने बोला Fe+2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन आपस में जब रिएक्ट करते हैं, जब ऐसा कंडीशन मीडियम पे जनरेट होता है, तो ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, FeOH cold twice बना लेते हैं, that is called a ferric hydroxide। और इसी ferric hydroxide का जब आप क्या करते हो, excess amount of water से reaction कराते हो, तो water का amount वहाँ पे और ज्यादा बढ़ता जाता है, तो ये क्या prepare करता है, Fe2O3, और ये prepare करता है XH2 molecule। यहाँ पे X का मतलब क्या है, कि पानी का अमाउंट काफी क्या होता है, ज्यादा हो सकता है, 1 मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल हो सकता है, 3 मॉलिक्यूल हो सकता है, 4 एंड सो ऑन, जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो सकते हैं। और फेरिक हाइड्रोक्साइड जो प्रिपेयर हुआ था वो वाटर से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये पूरा कंपाउंड हमारा बन जाता है तो हमारे आयन पे कौन सा प्रोसेस हो चुका होता है,
इन द प्रोसेस उस पर रहता है। और अगर ये एक नॉर्मल आयरन का रॉड है तो जैसे ही इसमें रस्टिंग होगी इसका सरफेस बिल्कुल इस तरह से क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि हमारे मेटल में कौन सा प्रोसेस हो गया है, रस्टिंग का प्रोसेस हो गया है। तो ये एक्चुअल रस्टिंग होती है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जब मैं पानी में डालती हूँ या मॉइस्चर में डालती हूँ तो मॉइस्चर में ये दोनों प्रोसेस हो चुका रहता है और ये हाइड्रोक्साइड आयन बना रहता है। ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि यहाँ पे OH नेगेटिव आयन बन गया है जिसको मैं मॉइस्चर बोल रही हूँ। और जैसे ही मॉइस्चर में मैंने किसको ऐड कर दिया, आयरन को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल चार्ज का है। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज को ये देखता है ये क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है। और रेड्यूस होके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्शन की वजह से ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को, तो उसमें कौन सा प्रोसेस हो जाता है, रस्टिंग का प्रोसेस हो जाता है। ये ओवरऑल रस्टिंग होती है किसी भी केमिकल्स की अगर हम करने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे आप लोग इसको नोट करिए, तब तक मैं ऑनलाइन बताती हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका आयरन मटेरियल था, आयरन मटेरियल है और यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, वाटर और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वाटर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। जब हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा तो मीडियम में जब ये आयन जनरेट हो चुका है मतलब ये मेरा मॉइस्चर कंडीशन हो गया। अब इस मॉइस्चर कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, आयरन मेटल को डिप करती हूँ। तो जैसे ही आयरन मेटल को डिप करोगे वो क्या हो जाएगा, रेड्यूस्ड हो जाएगा और क्या बना लेगा, Fe2 पॉजिटिव बना लेगा। अब ये Fe2 पॉजिटिव इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, FeOH होल ट्वाइस बना लेगा। और वही इक्वेशन आपके बुक में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड वाला कंडीशन जनरेट होता है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बोला जाता है। एक आपका किस पे होता है, एनोड पे, जिसमें आयरन Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और एक आपका कैथोड पे होता है जिसमें आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है। और यही हाइड्रोक्साइड आयन जब एक्सेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रस्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और ये हमारा रस्टिंग का फॉर्मूला हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, Fe2O3 के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है, रस्टिंग का प्रोसेस जो आपका 10th का एग्जाम हुआ था उससे आपको पूरा ड्रॉ बनाना होगा। ड्रॉ बनाने के बाद इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होगा। इक्वेशन को अगर नॉर्मली रिप्रेजेंट करते तो ड्रॉ में रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसके मार्क्स सबसे मिलते हैं। लेकिन अगर आपको अलग से रिप्रेजेंट करना है तो पहले एनोड कितना, एनोड में क्या हुआ मैंने बताया, जो मेरा आयरन था आयरन रेड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हुआ, Fe2+ में कन्वर्ट हुआ और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये प्रोसेस किसपे हुआ, एनोड पे हुआ। और दूसरा प्रोसेस किसपे हुआ, कैथोड पे हुआ। कैथोड पे हमारा क्या था, वाटर मॉलिक्यूल था। वाटर मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना लिया, इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको ये गेन करेगा और गेन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बना लेगा। और जब हमारा ये Fe2 पॉजिटिव ये दोनों प्रोसेस होने के बाद हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा जिसमें Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे जो बना हुआ है और ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, FeOH होल ट्वाइस बना लेंगे। होल ट्वाइस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव होगा, तो 2 पॉजिटिव के लिए 2 नेगेटिव, मतलब मुझे 2 हाइड्रोक्साइड आयन की जरूरत होगी, ठीक है। तो मैंने बैलेंस नहीं किया लेकिन लिख दिया, लेकिन उसको देख के वही समझ आ रहा है। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। जैसे ही ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बनने के बाद इनिशियली तो ऐसा होगा, अब देखो आयरन पे सरफेस पे क्या हो गया, रस्ट का एक लेयर बन चुका है। बनने के बाद उसको फिर से क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा ना, वाटर मिलेगा, साथ में इसमें ऑक्सीजन जाएगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3। और इस वाटर मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है, कितने हैं मुझे नहीं पता, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एक्स का सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। आपको 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो Fe2O3 को XS4 और एक्स का
आप केमिकल रिएक्शन को करेंगे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, चलिए जल्दी करिए, उसके बाद एलॉय नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आप नोट करेंगे उसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या हो जाता है? एलॉय हो जाता है। एलॉय किसको बोला जाता है भाई बताइए, ये जो एलॉय है ये किसको बोला जाता है? चलिए, तो ये मेरा क्या हो जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रिंसिपल हो जाता है। जब भी रस्ट पूछा जाएगा ना आपको, आप सिर्फ ये ड्रॉ बना के ये तीन केमिकल इक्वेशन जो मैंने लिखा है इतना शो करोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये केमिकल इक्वेशन के लिए इसके मार्क्स होते हैं, ये छोटा सा ड्रॉ बना देना जिसमें हल्का सा पानी रहेगा और पानी के बीच बीच में आप क्या करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनोड और कैथोडिक कंडीशन क्रिएट करके जो केमिकल रिएक्शन नीचे लिखा है उसको वहीं पे लिख देना, तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, थ्योरी की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है तो आप थ्योरी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप रिएक्शन से भी काम चला सकते हैं। अगर आपने थ्योरी की जगह रिएक्शन के लिखा है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें रिएक्शन के ही मार्क्स। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है बताइए? एलॉय क्या होगा? किसी भी मेटल का एलॉय, एलॉय वो होता है जो क्या करता है इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो क्या करता है किसी भी मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर देता है इंप्रूव कर देता है, उसको हम किस फॉर्म में इंडिकेट करते हैं? एलॉय के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। एलॉय देखिए बहुत सारे मेटल का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, आप ये समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या करना हो, जैसे नॉर्मल आयरन की आप बात करोगे, सिर्फ आयरन की बात करोगे ना, तो रस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जो आयरन हमको अवेलेबल होता है नेचर से, वो आयरन आपका क्या होता है काफी सॉफ्ट आयरन होता है। ठीक है, तो उसको किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उससे किसी चीज को बनाओगे ना वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से इस सॉफ्ट आयरन के हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए इसमें एक केमिकल मिलाया जाता है एंड दिस केमिकल आर कार्बन। मतलब मेरा मेटल सॉफ्ट था, उसकी प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए मैंने उसमें किसी अदर एलिमेंट को क्या कर दिया मिक्स कर दिया, तो अब उस अदर एलिमेंट को मिक्स करने की वजह से मेरे एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वो क्या हो गया इंक्रीज हो गया। मतलब मैंने अपने मेटल को किसमें कन्वर्ट कर लिया है, एलॉय में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो जब हम इसमें कार्बन को ऐड कर देते हैं तो ये जो सॉफ्ट आयरन था ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे हार्ड आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कन्वर्शन से मुझे ये बात तो पता चली कि अगर मैं किसी अदर
एलिमेंटल को भी आयरन में मिक्स करूं तो उसकी प्रॉपर्टी और ज्यादा क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन ऐसी ऐसे एलिमेंट को आपको यूज करना है जो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो आयरन से क्या बनाया जाता है ना, जीएसपी क्या बनाती है आयरन से, बताइए क्या बनाती है आयरन से? जीएसपी जो है हमारी भिलाई में प्रेजेंट है ना, हाँ स्टील बनाती है। इसी आयरन से किसको बनाया जाता है, स्टील को बनाया जाता है। तो स्टील को बनाने का मेन रीजन यही है कि आयरन की प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर इस आयरन के साथ साथ जब स्टील को बनाया जाता है तो उस स्टील में दो और एलिमेंट यूज किए जाते हैं, दैट इज निकल और बोला जाता है कोबाल्ट। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, इन सारे का केमिकल लिया जाएगा और केमिकल लेके इसको क्या किया जाएगा, मेल्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो कंपाउंड आपको मिला वो कंपाउंड आपको किस फॉर्म में इंडिकेट करता है, स्केल के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। और ये स्केल आप सभी जानते हैं हमारा हार्ट होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट में हमको यूज होता है। और हमने क्या किया, जैसे ही स्टील में कन्वर्ट कर दिया, क्या स्टील में रस्ट होता है, नहीं होता, क्योंकि जबकि इसमें क्या प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, मतलब इसमें रस्ट होना चाहिए। तो इसके रस्टिंग को प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, निकिल को मिलाया जाता है। अगर आप किसी भी आयरन पे इसको ऐड कर देते हो, निकिल को ऐड कर देते हो, तो उस आयरन में कभी भी आपका रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एलॉय बनाते हैं, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और मेटल की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करके मैं उससे कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। तो एलॉय फॉर्मेशन किस वजह से किया जाता है, मेटल की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। और उसी की मिक्सिंग के थ्रू जो नया कंपाउंड हमारा बन के आता है, उस कंपाउंड से हम नए नए ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एलॉय बोला जा रहा है, एलॉय को मैंने क्या बताया, जनरली मेटल के किसको प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, मेटल में बहुत सारे अदर एलिमेंट को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। जो मेरे पास अदर एलिमेंट हो गया उसको मैं इसमें क्या कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी, तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, देखिए तो एलॉय यहाँ पे बताए गए हैं, ब्रास का होता है, ब्रॉन्ज का होता है, जर्मन सिल्वर का होता है, मैग्नीशियम का होता है, बेल मेटल, गन मेटल और सोल्डर का, ड्यूरेलियम और स्टेनलेस स्टील और एल्किनो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब एलॉय होते हैं। एलॉय मतलब एक से ज्यादा मेटल अगर किसी केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसको किस फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है, एलॉय के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है, जो उस एलिमेंट के कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो देखिए ये आपको करना क्या है, ये लास्ट एक्टिविटीज में ये बताई गई है कि आप अपने आसपास अपने सराउंड में पाए जाने वाले जितने भी मेटल्स हैं उन ऑब्जेक्ट का क्या करोगे, उन ऑब्जेक्ट का आप एक लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट में आपको ये पता करना है कि वो कौन कौन से मेटल के बने होते हैं। और ऐसा हो एक आध ऑब्जेक्ट आपके पास ऐसा है जो कि एलॉय से बना हुआ है, तो वो जो एलॉय है वो कौन कौन से मेटल का बना हुआ है ये आपको पता करना है और उस लिस्ट को सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का
आज लास्ट टॉपिक हो जाता है। पर्टिकुलर सारे टॉपिक्स मैंने इस चैप्टर में बताए थे। सबसे पहले मैंने मेटल के बारे में बताया कि मेटल होता क्या है, या फिर हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में फर्क कैसे पता करते हैं। उसके बाद हमने उसके रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा। रिएक्टिविटी में हमने ये जाना कि मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, और बेस के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जान ली। और उसके बाद हमने शायद डिस्कस किया था ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल के बारे में, जिसमें हमने ये जाना कि जो हमारा मेटल होता है अर्थ क्रस्ट से मिनरल के फॉर्म पे हमको मिलता है। सारे के सारे मिनरल हमारे क्या नहीं होते हैं, हमने ये जाना कि सारे मिनरल और नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे और हमारे क्या हो सकते हैं, मिनरल हो सकते हैं। उसके बारे में हमको पता चला। और साथ ही ये बात पता चली कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट में मिलते हैं, लाइक अ प्लेटिनम हो गया, ऑरेट हो गया। इनका लेस रिएक्टिविटी नेचर की वजह से ये इंडिपेंडेंट स्टेट में मिलते हैं, और बाकी के सभी कौन से स्टेट में हमको अवेलेबल होते हैं, कंबाइंड स्टेट में हमको अवेलेबल होते हैं। इन सारी की चीजों के बारे में हमने जाना। उसके बाद मेटलर्जी का जो प्रोसेस होता है वो हमने डिस्कस किया। प्रोसेस जो था उसमें हमने क्या देखा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और एक हमारा फोर्स प्रेडिक्शन प्रोसेस था। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, जो हमारा हार्डनेट हो चुका है। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड है उसको यूज किया जाता है ऑक्साइड ओर के लिए, और फोर्स प्रेडिक्शन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में जाना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में होता क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल होगा और एक हो जाता है।
चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।